गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लाइव. आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. सो डू लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग प्रीति, डू लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू? सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो बहुत से स्टूडेंट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं. सो इसलिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रही हूँ. गुड इवनिंग वैद्यनाथ. सो उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अन अकेडमी की ओर से आप सभी के लिए एक ऑफ़र आया है जो कि 23rd of September से लेके 30th of September तक ही वैलिड है. सो ऑफ़र ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे 12 मंथ वाली सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 मंथ के लिए आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में मिलेगी. सो 12 महीने वाली सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 2 महीने जो हैं वो फ्री मिलेंगे. और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे मेरा कोड अप्लाई करोगे, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो दिस इज़ माय कोड जिसको कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा आज हमारी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जहाँ पर कि हम लोग अलग अलग यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो 9:30 पे हमारी क्लास है, सभी ने उस क्लास को भी ज्वाइन करना है. सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर प्लेज अ क्रूशियल रोल. सो किसके मॉडल में जो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई है लेबर की, एक क्रूशियल रोल जो है प्ले करती है? मालथूस के मॉडल में, कजनेट के मॉडल में, रैबिश हाइपोथेसिस में, या फिर लुइस के मॉडल में? गुड इवनिंग ज्योति सत्याकी. सो यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, वैद्यनाथ, प्रीति और चित्रा का आंसर आया है. सो आंसर यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट का, डी. सो बिल्कुल, अगर आप लोगों ने लुइस का मॉडल पढ़ा है जो कि 1954 में आया है, सो आप लोगों ने वहाँ पे देखा है कि दो सेक्टर्स होंगे. एक तो होगा आपका ट्रेडिशनल सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकंड जो सेक्टर होगा वो है मॉडर्न सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी, यानी कि जितने वर्कर्स काम करने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अगर हम लोग इन वर्कर्स को निकाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएंगे तो उसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट हैं उनको सरप्लस होंगे और ऐसे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी. सो अनलिमिटेड जो सप्लाई है लेबर की यानी कि इलास्टिक सप्लाई है लेबर की, वो एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है लुइस के मॉडल में. सो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो वर्कर्स हैं उनको उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वेजेस दिए जाएंगे. सो जब हम लोग उन्हीं वर्कर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेजेंगे जहाँ पर कि उनको स्किल्स दी जाएंगी, तो उसके बाद उनको जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेजेस मिलेंगे वो होंगे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो वेजेस होंगे वो एग्रीकल्चर के वेजेस से ज़्यादा होंगे. सो जब जितने भी वर्कर्स चाहिए होंगे, जितने भी वर्कर्स ज़्यादा लगे थे काम पे, उनको सप्लाई कर दिया जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो दोनों सेक्टर्स के जो वेजेस हैं वो सेम हो जाएंगे. सो सेकंड क्वेश्चन है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म. टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म जिसका जो कॉन्सेप्ट है दिया गया है बाय हिगिंस. सो हिगिंस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है, उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं? सो ऑप्शंस हैं ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग करके, प्लानिंग फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन रूरल सेक्टर, फोकसिंग ऑन IT सेक्टर. सो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? गुड इवनिंग उत्तम. हाँ जी, सो डू लेट मी नो दी आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. सो जब भी आप लोग अपना आंसर दोगे तो ऐसे आप लोग लिखोगे क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन है.
सो मिक्स आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास सी और डी, सी और डी आंसर्स आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि हमारे पास दो सेक्टर्स होंगे, एक तो होगा आपका मॉडर्न सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, और दूसरी और आपका ट्रेडिशनल सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमारा मॉडर्न सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहाँ पे हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में ड्यूलिज्म पाया जा रहा है, एक सेक्टर में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और जो दूसरा हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, वहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करें। सो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं बाय प्लानिंग फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन रूरल सेक्टर। यानी कि रूरल सेक्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि हम लोग वहाँ पे भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। सो अभी तक सीन क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करें। सो अगर हम लोग लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो उसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है रूरल सेक्टर की वो बढ़ जाएगी, और ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म पाया जाता है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट। सो थर्ड क्वेश्चन है रॉस्टो का जो मॉडल है, रॉस्टो ने अपना मॉडल दिया है 1960 में, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो रॉस्टो का मॉडल जो है पोस्टुलेट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अक्कर होती है 5 बेसिक स्टेजेस में से। सो 5 स्टेजेस होती हैं जिसमें से हर एक इकोनॉमी को गुजरना पड़ता है। सो इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है, सो 3 स्टेजेस आपको गिवन है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना कि इनमें से कौन सी स्टेज रॉस्टो ने नहीं दी। ठीक है, सो थर्ड का सी आंसर मेरे पास आ रहा है। सो बिल्कुल जिन्होंने भी थर्ड का सी आंसर दिया उन सभी का ठीक है। सो सबसे पहले कोई भी इकॉनमी जो है स्टार्ट करेगी ट्रेडिशनल सोसाइटी से, उसके बाद जो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो हम लोग सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो कि क्या है, प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट करेंगे तो थर्ड स्टेज हमारे पास आएगी टेक ऑफ स्टेज। फोर्थ स्टेज आपके पास आएगी, बताइए फोर्थ स्टेज कौन सी होगी। सो फिफ्थ स्टेज है आपकी हाई मास कंजम्पशन, फोर्थ स्टेज बताइए कौन सी है। सो कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये क्वेश्चन आता है, सो बताइए कि अकॉर्डिंग टू रॉस्टो फोर्थ स्टेज कौन सी होगी। बिल्कुल, सो यहाँ पे बैद्यनाथ का आंसर आया, ज्योति का आंसर आया। सो बिल्कुल ड्राइव टू मेच्योरिटी जो है फोर्थ स्टेज है। सो यहाँ पे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेजेस में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से आ जाता है, कई बार आपको अलग अलग स्टेजेस दी हुई हैं और आपको ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी इसमें से रॉस्टो की स्टेज नहीं है। सो इसके अलावा ये मॉडल कब आया 1960 में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा डिवेलप किया गया है। इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि कब डिवेलप किया गया है, किसने किया है और कौन से ईयर में किया गया है। कल्याणी, प्रीति, वैद्यनाथ, ज्योति, सुष्मिता, सो इन सभी का आंसर आया है डी, सात्याकी, चित्रा। सो जिन्होंने भी डी आंसर दिया आप सभी का ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि किस ईयर में, ठीक है। सो यहाँ पे 1979, बिल्कुल 1979 में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो था वो डिवेलप किया गया था बाय मॉरिस डी मॉरिस। सो डी इज़ द करेक्ट वन, बिल्कुल 1979 इसका करेक्ट आंसर है। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। सो आप लोगों ने इसको करेक्ट ऑर्डर यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों ने इनको अरेंज करना है। सो फर्स्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और लास्ट है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सो जैसे जैसे ये आए हैं वैसे वैसे आप लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज करना है।
सो यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, चित्रा का आंसर आया कल्याणी बैद्यनाथ, ज्योति प्रीति, सो सभी का आंसर आ रहा है सी और बी, ठीक है, सी और बी आंसर्स आ रहे हैं। सो चलिए इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो कि डिवेलप किया गया है बाय मॉरिस टी मॉरिस इन 1979, सो ये तो सबसे पुराना है। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स जो है वो आया है 1990 में, और इसके साथ तीन इकोनॉमिस्ट का नाम एसोसिएटेड है, महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, और इसके अलावा इंडिया के अमर्त्य सेन और मेघनाथ देसाई का नाम इस इंडेक्स के साथ आता है। उसके बाद जेंडर डिवेलपमेंट इंडेक्स जो कि डिवेलप किया गया है 1995, और उसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, सो ये भी 1995 में ही आया है। सो ये दोनों चाहे 1995 में आए, बट पहले जेंडर डिवेलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद जेंडर एम्पावरमेंट। सो पहले आप लोग किसी मेजर को डिवेलप करोगे, उसके बाद उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करोगे। सो पहले जेंडर डिवेलपमेंट इंडेक्स आया है, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है बाय जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो है फर्स्ट देन थर्ड उसके बाद फोर्थ एंड सेकेंड। सो फर्स्ट फर्स्ट थर्ड यानी कि ये, सो सी आंसर इसका ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और उसके बाद सेकेंड, सी इज द करेक्ट। सो जितनों ने भी सी आंसर दिया आप सभी का ठीक है। सो सिक्स क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग आइडिया। सो अब आप लोगों को मॉडल्स नहीं दिए, अब आप लोगों को मेन आइडियाज बता दिए कि कौन से इकोनॉमिस्ट का कौन सा आइडिया था, उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों से सीक्वेंस पूछा गया है। सो आप लोगों ने इनको अरेंज करना है, कौन सा जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आया उसके बाद कौन सा आया है। सो देखिए, गोल्डन एज, सरप्लस वैल्यू, डिवीजन ऑफ लेबर, वेज गुड मॉडल। सो सिक्स का आंसर आ रहा है चित्रा का, चित्रा कल्याणी बैद्यनाथ का आंसर आ गया है। सो बाकी भी आंसर्स दीजिए। सो देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि एडम स्मिथ ने हमेशा बात की है डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि जो पर्सन जिस काम में एफिशिएंट है, जो बंदा एग्रीकल्चर के काम में एफिशिएंट है उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, जो बंदा इंडस्ट्रीज़ के काम में एफिशिएंट है उसको इंडस्ट्री वाले काम में लगाया जाए। सो डिवीजन ऑफ लेबर, जो वर्कर जिस काम में एफिशिएंट है उसको वही काम करवाया जाए जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सो एडम स्मिथ ने बात की है 1776। उसके बाद सरप्लस वैल्यू, सो सरप्लस वैल्यू आपको पता ही है कार्ल मार्क्स, सो मार्क्स ने अपनी थ्योरी में सरप्लस वैल्यू की बात की है, और मार्क्स का मॉडल कब आया, 1867। उसके बाद गोल्डन एज, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, और सबसे बाद में आया है वेज गुड मॉडल, वकील एंड ब्रह्मानंदा का मॉडल। सो वेज गुड मॉडल में उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे गैप है, यानी कि जो वेजेस वर्कर्स को हम लोग दे रहे हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो गुड्स यहाँ पे उन्होंने ली हैं फूड आइटम्स, ठीक है। सो जितने वेजेस दे रहे हैं और जो फूड आइटम्स वो परचेज करें उनमें गैप है, यानी कि वेजेस आप लोग कम दे रहे हो और प्राइजेज इन आइटम्स के ज़्यादा हैं। सो वेजेस आप लोग कम दे रहे हो जिसकी वजह से क्या है कि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम नहीं कर पा रहे जिनकी कि उनको ज़रूरत है, यानी कि फूड आइटम्स को भी वो परचेज नहीं कर पा रहे। सो उन्होंने बोला था कि एफिशिएंट वेजेस दिए जाने, वेजेस जो हैं वो लेबर्स के बढ़ाए जाएं ताकि वो कंजम्पशन कर सकें, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर सकें। सो ये दिया था वकील ऑन ब्रह्मानंदे। सो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ, सो थर्ड पहले आएगा, सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद सरप्लस वैल्यू यानी कि कार्ल मार्क्स, थर्ड के बाद सेकेंड, सो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद गोल्डन एज यानी कि फर्स्ट, सो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द करेक्ट वन। सो डी आंसर इसका करेक्ट है, जितने भी लर्नर्स ने डी आंसर दिया है सभी का करेक्ट है। हेलो सविता। सो सेवन क्वेश्चन देखिए, द गिनी कॉफिशेंट, जो गिनी कॉफिशेंट है प्रोवाइड करवाता है मेजर ऑफ, गिनी कॉफिशेंट को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, द लेवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, द लेवल ऑफ रिलेटिव इनकम इनइक्वालिटीज़,
इनकम इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए, द लेवल ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को निकालने के लिए, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ को निकालने के लिए. सो गिनी कोफिशिएंट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ, किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग गिनी कोफिशिएंट को. बिल्कुल करेक्ट. जो सो सभी का ही आंसर ठीक है, सभी ने बी आंसर दिया है. सो बिल्कुल यहाँ पे जो गिनी कोफिशिएंट है उसको हम लोग जो यूज़ करते हैं किसके लिए, इनकम इनइक्वालिटीज़ को निकालने के लिए. सो यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती हैं गिनी कोफिशिएंट की, दो वैल्यूज़ होती है, 0 to 1, 0 to 1 के बीच इसकी वैल्यू होती है. सो मुझे बताइए कि 0 किस केस में होगी और 1 किस केस में होगी. सो बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया कि अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो इट मींस इनकम इनइक्वालिटी है या फिर इक्वालिटी है. सो डू लेट मी नो कि अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब क्या है. परफेक्ट इक्वालिटी है या फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी है. अगर वैल्यू 0 है तो क्या सीन है, अगर वैल्यू 1 है तो क्या. ठीक है. सो अगर वैल्यू गिनी कोफिशिएंट की 0 आ रही तो इट मींस परफेक्ट इक्वालिटी है. जितने भी इकोनॉमी के लोग हैं सभी सभी को इक्वल जो है वो इनकम मिल रही है, परफेक्ट इक्वालिटी. और 1 का मतलब क्या है, परफेक्ट इनइक्वालिटी. यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो उसमें बहुत इनइक्वालिटीज़ हैं, परफेक्ट इनइक्वालिटी. यानी कि एक ही बंदे के पास पूरी की पूरी जो इनकम है वो जा रही है. सो अगर 0 वैल्यू है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, जितनी भी इकोनॉमी के लोग हैं सभी को इक्वल इनकम मिल रही है. अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है. सो 7 का करेक्ट आंसर है बी. सो 8 क्वेश्चन है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, हैविंग नो जॉब एंड वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क. लोग काम करना चाहते हैं बट काम है ही नहीं. शॉर्ट टर्म मोमेंट ऑफ वर्कर बिटवीन दी जॉब्स. सी हैविंग नो जॉब ड्यू टू दी चेंजिंग सीजन. सीजन की वजह से जॉब ही नहीं मिल रही. अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है. सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है. सो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो है बताई है. सो एक एक सेंटेंस में उन्होंने आपको 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बताई हुई है. सो 8 का क्वेश्चन आंसर आ रहे मेरे पास बी. सो बिल्कुल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आप लोग अपनी जो प्रेजेंट जॉब थी उससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे. सो आप लोगों ने उस जॉब को छोड़ दिया और उस जॉब को छोड़ के अब आप लोग कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो. सो जो आप लोग जॉब कर रहे थे उससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे. सो आप लोगों ने उस जॉब को छोड़ के नई जॉब ढूंढनी शुरू की. सो ये जो गैप आएगा इन दोनों के बीच यानी कि अपनी पुरानी जॉब छोड़ने से लेके नई जॉब मिलने तक ये वाला जो गैप है क्या है, आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ वर्कर बिटवीन दी जॉब. जो वर्कर्स से अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिए उन्होंने क्या किया, नई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी. और इसके बीच जो टाइम गैप होगा जिस बीच उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा वो क्या है, फ्रिक्शनल जॉब, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. सो मुझे बताओ कि फर्स्ट किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, हैविंग नो जॉब व्हेन वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क. लोग काम करना चाहते हैं बट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है. सो ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है. फर्स्ट किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है. बिल्कुल. सो यहाँ पे इनवॉलंटरी यानी कि आप लोग काम करना चाहते हो बट आपको काम नहीं मिल रहा, इनवॉलंटरी. सो हैविंग नो जॉब ड्यू टू चेंजिंग सीजन. सो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन की वजह से आप लोग क्या हो रहे, बेरोजगार हो रहे हो. सो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. लास्ट है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल की वजह से, रिसेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं. सो ये आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ जी. सो 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है. फर्स्ट है इनवॉलंट्री यानी कि काम करना चाहते थे बट काम मिला नहीं. जॉब छोड़ के नई जॉब ढूंढ रहे हो तो फ्रिक्शनल. सीजन की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं तो सीजनल. और बिजनेस साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. सो 9 क्वेश्चन देखिए. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिगिन्स. सो अभी अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, फर्स्ट या सेकंड उसका ये आगे है.
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिगन्स द यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन. सो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर कि प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होंगे इन एडवांस सेक्टर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ एन अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी इज रेफर टू एस. सो इसको क्या बोला जाएगा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एडवांस सेक्टर में आप लोग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो और जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहाँ पर आप लोग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे. नाइन्थ का सी, सो बिल्कुल टेक्निकल ड्यूलिज्म. सो हम लोगों ने फर्स्ट ही क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पर कि हम लोगों ने बोला था कि दो प्रोडक्शन फंक्शन है, दो यानी कि एडवांस सेक्टर में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जो ट्रेडिशनल सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करें, इसकी वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म. ये टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म इसको हम लोग बोलते हैं. सो टेंथ क्वेश्चन देखिए, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल किसने लिखी है, वैल्यू एंड कैपिटल बुक इज ऑथर्ड बाय नजूमदार, एलन हिक्स या फिर रॉबिन्सन. तो बिल्कुल यहाँ पे जितने भी लर्नर्स ने सी आंसर दिया सभी का ठीक है. सो ये बुक वैल्यू एंड कैपिटल जो है वो लिखी गई है बाय जे.आर. हिक्स इन 1939. सो हिक्स इज़ द करेक्ट आंसर. सो 11th क्वेश्चन देखिए, सो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है. सो असर्शन आपको गिवन है कि पर कैपिटा रियल इनकम जो है एक एडिक्वेट मेजर नहीं है, मेजर तो है बट एडिक्वेट नहीं है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम जो है एक मेजर तो है बट एडिक्वेट नहीं है. सो रीज़न क्या है कि पर कैपिटा इनकम कैन बी इंक्रीज इफ देयर इज़ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. क्योंकि पर कैपिटा इनकम तब भी इंक्रीज हो सकती है अगर जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, यानी कि अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट भी रहेगी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तब भी पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी. सो बताइए कि असर्शन और रीज़न में ठीक हैं दोनों, अगर ठीक हैं तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी कि नहीं. सो 11th का करेक्ट आंसर बताइए. सो 11th का बी आंसर आ रहा है. सो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी का आंसर ठीक है, पर कैपिटा इनकम. सो पर कैपिटा इनकम को हम लोग कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम को हम लोग निकालते हैं नेशनल इनकम को डिवाइड करके पॉपुलेशन के साथ. सो यहाँ पे ये मेजर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी जो इकोनॉमी है डिवेलप हो रही है कि नहीं. सो मेजर है बट एडिक्वेट नहीं, यानी कि बेस्ट मेजर नहीं है. सो रीज़न क्या है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी अगर यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि अगर आपकी नेशनल इनकम कांस्टेंट भी रहेगी और पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी तो उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि क्या शो करेगी कि इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हो रही है. जबकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, नेशनल इनकम हमारी कॉन्स्टेंट है. हुआ क्या कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई है जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ जो है वो आया है. सो इसलिए यहाँ पे आपकी असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. सो 11th का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला. सो इसके मेरे पास ऑप्शंस नहीं है. 12th क्वेश्चन, सो आप लोगों ने इसका आंसर देना है 12th ए का थर्ड, ऐसे आप लोग आंसर दोगे बी का जो भी नंबर होगा, सी का जो भी नंबर है वैसे आप लोगों ने लिख के इसका आंसर देना है. सो एक और आपको दिया है मॉडल और दूसरी और उस मॉडल में क्या था. सो हैरेडॉमर मॉडल, सोलो मॉडल, लुइस का मॉडल, कैडर का मॉडल. अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज एन एंडोजीनियस फैक्टर ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन, पुअर नेशन विल ग्रो फास्टर देन रिच नेशन, डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो. सो कौन से मॉडल में क्या बताया गया है.
ट्वेल्थ का आंसर दीजिए। सो ये किसके साथ जा रहा है, बी किसके साथ जाएगा, सी और डी। जब तक आप लोग आंसर दे रही हो, मैं भी आप साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे ट्वेल्थ का देखिए, हैरिड-अमर मॉडल। सो हैरिड-अमर मॉडल में किसकी बात की गई है कि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है डिक्रीज होती जाएगी। सोलो मॉडल, सोलो मॉडल में क्या बताया गया था कि कन्वर्जेंस होगी। सो सोलो के मॉडल में कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा। सो उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट ग्रोथ रेट चाहे जितनी भी चल रही हो यूएसए की और इंडिया की, बट एट दी एंड क्या होगा कि ये दोनों लॉन्ग रन में जाके एक सेम ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे, स्टेडी स्टेट ग्रोथ। जो दोनों की दोनों कंट्रीज़ है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सेम ग्रोथ रेट को अचीव करेंगी। सो पुअर नेशन, उन्हें बोला था कि जो पुअर नेशंस हैं, जो LDCs हैं, जो डिवेलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ग्रोथ फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू डिवेलप्ड नेशन। सो लुइस का मॉडल, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। उसके बाद कैडर का मॉडल। सो कैडर का मॉडल पहला ऐसा मॉडल था जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एज एन एंडोजीनियस फैक्टर कंसिडर किया था। सो उससे पहले जितने भी मॉडल आए थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सोजीनियस फैक्टर, यानी कि वो वाला फैक्टर जो कि हमारे हाथ में नहीं है, आउट ऑफ द मॉडल, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, एक्सोजीनियस फैक्टर उन्होंने सपोज किया था। बट कैडर ने जो टेक्निकल प्रोग्रेस था उसको एक एंडोजीनियस फैक्टर जो था वो कंसिडर किया था, यानी कि जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कैडर का मॉडल फर्स्ट मॉडल था जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एंडोजीनियस फैक्टर कंसिडर किया था। सो ये रहा इसका करेक्ट मैच। नाउ 13 क्वेश्चन। सो ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से, जो कि अभी भी हम लोगों ने मैच किया है। द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसने प्रोपाउंड की है? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सोनू, कल्याणी, बैद्यनाथ, ज्योति, प्रीति, सात्याकी, सविता, बिल्कुल। सो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है। सो AW Lewis के मॉडल को हम लोग अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मॉडल के नाम से जानते हैं, और ये जो मॉडल था ये दिया गया था लुइस के द्वारा इन 1954। सो 1954 में ये मॉडल आया था। 14 क्वेश्चन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने डायमेंशन होते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने डायमेंशन्स होते हैं? सो ए आंसर आ रहा है। सो बिल्कुल जिन्होंने भी ए आंसर दिया आप सभी का ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारे पास तीन डायमेंशन्स होते हैं। सो तीन डायमेंशन कौन कौन सी है? तीन डायमेंशन में आपके पास आएगा फर्स्ट डायमेंशन जो कि होता है हेल्थ, सेकेंड यहाँ पे डायमेंशन जिसको कि यूज़ किया गया है वो एजुकेशन। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, चार आप लोगों को ऑप्शंस दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है। सो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एजुकेशन डायमेंशन है, लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे डायमेंशन है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन है, हेल्थ है। सो हेल्थ में आगे यहाँ पे 10 फर्दर यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, सब इंडिकेटर्स। सो यहाँ पे हेल्थ में क्या क्या आएगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। एजुकेशन में आगे दो सब कैटेगरीज हैं। सो इसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और उसके बाद स्कूल अटेंडेंस। सो
आगे लिविंग स्टैंडर्ड्स में आपके पास 6 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले कुकिंग फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा फ्यूल आप लोग यूज़ कर रहे हो कुकिंग के लिए। इसके अलावा सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फोर्थ यहाँ पे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ यहाँ पे आएगा हाउसिंग और सिक्स यहाँ पे आएगा एसेट्स। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये 2010 में आया है और इसमें तीन डायमेंशन होते हैं जिसमें आगे 10 उसके सब इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 15, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वैल्यू ऑफ कमोडिटी किसकी इक्वल होगी। मार्क्स के अनुसार जो कमोडिटी की वैल्यू है किसके इक्वल होगी। अच्छा रिपीट, अभी ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर मैं दिखाऊंगी दोबारा से। मार्क्स के अनुसार जो कमोडिटी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, सरप्लस वैल्यू, कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल। फिफ्टींथ का ये आंसर आया है सविता बैद्यनाथ कल्याणी का। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर वैल्यू ऑफ कमोडिटी में क्या क्या आएगा, सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू आएगी, कांस्टेंट कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल में आपके पास आएंगे वेजेस जो कि आप लोग दे रहे हो कांस्टेंट कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल में यहाँ पे आएंगे रॉ मटेरियल के ऊपर जो आप लोगों ने खर्चा किया है, रॉ मटेरियल के ऊपर जो आप लोगों ने खर्चा किया है, मशीन्स को लेने में जो आप लोगों ने खर्चा किया वो कांस्टेंट कैपिटल का पार्ट है। वेरिएबल कैपिटल में आपके पास आएंगे वेजेस जो कि आप लोग किसको दोगे, लेबरर्स को, जो वेजेस आप लोग लेबर को दोगे वो वेरिएबल कैपिटल में आएंगे। सरप्लस वैल्यू यानी कि कितना सरप्लस हुआ आप लोगों ने वर्कर्स को, फॉर एग्जांपल वर्कर्स ने आपको प्रोडक्टिविटी करके दी 1000 रुपीज़ की, वेजेस आप लोगों ने उनको दिए 500 रुपीज़, सरप्लस वैल्यू क्या है आपकी, ये 500 रुपीज़ प्रॉफिट। यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ कमोडिटी को निकालने के लिए। ए इज़ द करेक्ट। 16th क्वेश्चन, HDI इज़ नॉट कम्पोज ऑफ, HDI में क्या नहीं आता। 16th क्वेश्चन, HDI इज़ नॉट कम्पोज ऑफ, HDI में हम लोग किसको शामिल नहीं करते। लॉन्गेविटी, ह्यूमन फ्रीडम, लिटरेसी, लेवल ऑफ इनकम। सिक्सटीन का बी आंसर आ रहा है, कहीं ने सी आंसर भी दिया है। यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट। ह्यूमन फ्रीडम यहाँ पे जो है वो HDI में नहीं आता। लॉन्गेविटी, लिटरेसी, लेवल ऑफ इनकम यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग देते हैं, ह्यूमन फ्रीडम यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। बी इज़ द करेक्ट वन। 17 क्वेश्चन देखिए, रोमर लुकास का मॉडल ऑफ ग्रोथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। रोमर एंड लुकास के मॉडल ऑफ ग्रोथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, नियो लिबरल ग्रोथ मॉडल या फिर लिबरल ग्रोथ मॉडल। सविता, सात्याकी, चित्रा, बैद्यनाथ, प्रीति और कल्याणी, इन सभी का आंसर ठीक है। बिल्कुल रोमर और लुकास के मॉडल को हम लोग एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के नाम से जानते हैं। एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल इन्होंने क्या बोला था कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ह्यूमन कैपिटल में। जब हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग, जैसे जैसे हम लोग इसी काम को करते जाएंगे
वैसे वैसे हम लोग उस काम में एफिशिएंट होते जाएंगे। सो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो है रोमर और लुकास के मॉडल को एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के नाम से जाना जाता है। 18 क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ बिग बुश। सो बिग बुश की थ्योरी में उन्होंने डिस्क्राइब किए डिफरेंट काइंड ऑफ डैश, स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंडिविजिबिलिटीज, इक्विलिब्रियम ट्रैप या फिर ग्रोथ एजेंट। सो बिग बुश थ्योरी में उन्होंने क्या डिस्कस किया है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेंट्स, शॉक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंडिविजिबिलिटीज, इक्विलिब्रियम ट्रैप या फिर ग्रोथ एजेंट्स। सो यहाँ पे मिक्स अप आंसर्स आ रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शंस को वोट मिल रहे हैं। ज्योति, सात्याकी, सोनू, बैद्यनाथ, प्रीति, कल्याणी, चित्रा और सविता का आंसर आया है। सो यहाँ पे जो बिग बुश थ्योरी है जो कि दी है रोडान ने दी है 1943 में। सो वहाँ पर उन्होंने बात की है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की और इंडिविजिबिलिटीज़ की। इंडिविजिबिलिटी की, तीन तरह की इंडिविजिबिलिटीज़ की उन्होंने बात की। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ यानी कि जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसकी वजह से हमें बेनिफिट्स होंगी। सो यहाँ पे उन्होंने एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की, इंडिविजिबिलिटीज़ की बात की है। स्टिमुलेंट्स एंड शॉक की बात उन्होंने नहीं की। सो स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स की बात किन्होंने की है बताइए? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? लेबिंस्टन की थ्योरी। सो लेबिंस्टन ने जो दिया था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, वहाँ पे उन्होंने स्टिमुलेंट्स की, शॉक्स की बात की थी। सो स्टिमुलेंट्स आपके क्या होते हैं? इनकम जनरेटिंग फैक्टर्स। और शॉक्स आपके क्या होते हैं? इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स को कम करने वाले। सो स्टिमुलेंट्स की, शॉक्स की बात की है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो कि दिया था लेबिंस्टन ने, सो वहाँ पे उसकी बात हुई है। 19 क्वेश्चन देखिए, सो 19 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिक्स के अनुसार न्यूट्रल इन्वेंशन क्या होगी? न्यूट्रल इन्वेंशन कब होगी? व्हेन इट इंक्रीजेज इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन सेम प्रपोर्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम प्रपोर्शन में होगी। इट रेजेज द मार्जिन प्रोडक्टिविटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द सेम प्रपोर्शन। इट डिवेलप्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर साइमल्टेनियसली, आप लोग डिवेलप करोगे दोनों सेक्टर्स को। इट डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमी, इसकी वजह से इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट्स नहीं आएंगे, कोई भी प्रभाव इसका इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ेगा। सो 19th का बी आंसर मेरे पास आया। सो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है सभी का करेक्ट है। सो हिक्स के अनुसार न्यूट्रल इन्वेंशन यानी कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हिक्स का क्या है? बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग। सो लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग का मतलब क्या है कि टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से दोनों लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो इसमें उन्होंने क्या बोला था, इसका मतलब क्या है कि ट्रेजेज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसकी वजह से लेबर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और कैपिटल की भी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो यहाँ पे सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगी यानी कि रेशो जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी एट कॉन्स्टेंट कैपिटल लेबर रेशो। इन्होंने कैपिटल लेबर रेशो की बात की थी। सो इसके अलावा यहाँ पे दो और भी हैं, एक तो आएगा हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस और इसके अलावा सोलो। सो ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो मुझे बताइए कि जो हैरेड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लेबर ऑगमेंटिंग है, कैपिटल ऑगमेंटिंग है या फिर दोनों है? हैरेड का जो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या है?
सो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ध्यान में रखना कि जो हैरेड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लेबर ऑगमेंटिंग है। और जो सोलो का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है वो कैपिटल ऑगमेंटिंग है। इन दोनों को भी ध्यान में रखना, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो बिल्कुल हैरेड का लेबर ऑगमेंटिंग है, सोलो का कैपिटल ऑगमेंटिंग है और एक्स का बोथ है लेबर भी और कैपिटल ऑगमेंटिंग भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू हिशमैन, हिशमैन के अनुसार डैश इंडस्ट्री इज हैविंग हाईएस्ट कंबाइंड लिंकेज स्कोर। सो कौन सी इंडस्ट्री का जो लिंकेज स्कोर है वो हाईएस्ट होगा इन सभी में से। सो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, एनर्जी एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, ताकि इस तरह के सेशंस हम आप सभी के लिए लेकर आते रहें। सो लाइक करना ना भूलना और इसका आंसर दीजिए 20th का। सो आंसर मेरे पास 20th का बी आंसर आ रहा है। सो बिल्कुल आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जो लिंकेज स्कोर है वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि अगर आप लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, इसको डिवेलप करोगे, तो इसकी वजह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। सपोज़ कि अगर आप लोगों ने आयरन और स्टील इंडस्ट्री को में इन्वेस्टमेंट की है, तो इसकी वजह से जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आयरन और स्टील यूज़ करी है, जैसे कि कोल इंडस्ट्री, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, कोल की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। और वो वाली इंडस्ट्री जिसमें आयरन और स्टील को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के डेवलप होने की वजह से कोल इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, ये क्या है बैकवर्ड लिंकेज, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, ये क्या है फॉरवर्ड लिंकेज। सो लिंकेज इफेक्ट की वजह से आगे वाली इंडस्ट्रीज और पीछे वाली इंडस्ट्रीज दोनों ही डेवलप होंगी। सो आयरन एंड स्टील का जो लिंकेज स्कोर है सबसे ज़्यादा है। 21st क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मेजर जो है वो बेटर है। Which one of the following is better measure of degree of income inequality? So degree of income inequality को देखने के लिए better measure कौन सा है सबसे अच्छा। सो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं 21st का बी। सो बिल्कुल यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट जो है इनकम इनइक्वालिटी को चेक करने का सबसे अच्छा मेजर है। सो यहाँ पे अगर इनकम इनइक्वालिटी ना लिखा होता, पर कैपिटा इनकम लिखा होता, तो फिर कज़नेट हाइपोथेसिस आना था। पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछते तो कज़नेट हाइपोथेसिस आना था, इनकम की इनइक्वालिटीज के बारे में पूछ रहे हैं तो गिनी कोफिशिएंट। सो बी इज़ द करेक्ट। 22nd क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग द हैरेड मॉडल। हैरेड के मॉडल में हम लोग कौन कौन सा जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, सो आई होप दैट दिस मच इज़ क्लियर। सो हैरेड के मॉडल में हम लोग कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन हैं मल्टीप्लायर, नाइफ एज पाथ, सुपर मल्टीप्लायर, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड दीज आर कोड्स। सो कोड्स में से देख के मुझे बताइए कि हैरेड के मॉडल में हम लोग कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इनमें से यूज़ करते हैं। मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है कि आपने मुझे ऐसा कुछ दिखाया 10-2p और p की वैल्यू गिवन है। सो ये सिंपल ही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले पी को इधर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करोगे। ये ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन 2018 में, सो देख लेना इसको, और ग्रुप में भी एक बार सॉल्व करवाया था किसी बच्चे ने।
किसी लर्नर ने, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. सो इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी लर्नर्स ने टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है. हाँ जी, 22 का बी आंसर आ रहा है. सो चलिए देखते हैं इसको. हैरेड के मॉडल में हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं इसमें मल्टीप्लायर और वारंटेड ग्रोथ रेट. सो यहाँ पे मल्टीप्लायर नहीं है. एक मिनट, लेट मी रेज दिस. सो हैरेड का मॉडल पूछा है. हैरेड के मॉडल में हम लोग बात करते हैं नाइफेज इक्विलिब्रियम की और वारंटेड ग्रोथ रेट की, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे ठीक है, बी यहाँ पे ठीक है. सो अगर यहाँ पे हैरेड ना पूछ के वो हिक्स पूछ लेते, तो अगर यहाँ पे हैरेड ना पूछा होता, हिक्स का मॉडल पूछा होता, तो कौन सा ठीक होना था इन चारों में से? एक मिनट, लेट मी रेज दिस. हाँ जी, सो यहाँ पे डोमर, ठीक है, हैरेड और डोमर का मॉडल था. सो डोमर का अगर यहाँ पे आता तो कौन सा इन चारों में से आंसर हो जाना था? हैरेड का पूछा, अगर डोमर का पूछते, कल को डोमर का पूछ लें तो मल्टीप्लायर, बिल्कुल. सो अगर डोमर का पूछा होता तो डोमर मल्टीप्लायर आना था. अगर दोनों का पूछते कंबाइन, तो फिर मल्टीप्लायर भी, नाइफ एज पाथ भी और वारंटेड ग्रोथ रेट भी. सो यहाँ पे फिलहाल उन्होंने हैरेड का पूछा था, सो इसलिए नाइफ एज पाथ एंड वारंटेड ग्रोथ रेट इज़ द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23rd. सो ये क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको बता रही थी. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट फॉर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज बाय कंप्लीट इक्वालिटी? कंप्लीट इक्वालिटी है तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 0.5 होगी, 1 होगी या फिर इन्फिनिटी होगी? बिल्कुल. सो जिन्होंने 0 आंसर दिया है सभी का ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में कि गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 0 to 1. सो अगर 0 है तो इट मींस परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 है तो इट मींस परफेक्ट इनइक्वालिटी है. सो कल को अगर वो लोग यहाँ पे कंप्लीट परफेक्ट इनइक्वालिटी पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा फिर 1, बट यहाँ पे इक्वालिटी पूछा है, सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे ठीक है. सो ये डायग्राम है गिनी लॉरेंस कर्व की. आगे देखिए अगला क्वेश्चन. मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अनुसार इन जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल कैपिटल एक्युमुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में जो कैपिटल एक्युमुलेशन है किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेविंग इनकम रेशियो के ऊपर, प्रॉफिट वेज का रिलेशन और लेबर की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट इनकम की रेशो और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशो. सो आज हमारा सेशन, मैंने स्पेशल क्लास ली थी अनअकैडमी के ऊपर 12:30 पे. सो अगर इन केस आप लोगों ने वो वाला सेशन नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि आज मैंने नए क्वेश्चंस करवाए थे, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. सो ज़रूर से उनको देख लेना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. और 9:30 पे हमारी स्पेशल क्लास है. सो सभी ने उस क्लास को ज्वाइन करना है. 9:30 पे क्लास होगी अनअकैडमी के ऊपर. सो इन केस अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया अभी तक मुझे, तो फॉलो कर लो, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. और जो लिंक है मेरी प्रोफाइल का, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो 24 क्वेश्चन है. सो 24 का मेरे पास आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, 24 का डी. अच्छा, डी और बी मिक्सअप यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं. सो जॉन रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में कैपिटल एक्युमुलेशन डिपेंड करती है प्रॉफिट वेज के रिलेशनशिप के ऊपर और लेबर की प्रोडक्टिविटी. प्रॉफिट और वेज, कितने वेजेस आप लोग दे रहे हो लेबर को, उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कितने आप लोग वेजेस दे रहे हो और कितना आपके पास जा रहा है सरप्लस. अगर 1000 की प्रोडक्टिविटी की है, 500 आप लोगों ने वेजेस दिए हैं, तो ये 500 क्या है? आपका प्रॉफिट.
सो प्रॉफिट और वेज का रिलेशनशिप और किसकी की प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है। अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी एट द ग्रोथ रेट ऑफ 2% पर एनम, तो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा रियल जीडीपी की क्या होगी। हाँ जी, 25 का थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सो एक दो मिनट लगेगा इसको सॉल्व करके, मुझे इसका आंसर बताइए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपको नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू गिवन है, इसके अलावा ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर आपको गिवन है। सो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी तो आपको यहाँ पे बताया नहीं गया। सो अगर आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में गिवन हो, परसेंटेज की फॉर्म में आपको जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन हो, जैसे यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ एक्स ओवर वाई, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई। सो अगर आप लोगों को जो वैल्यूज़ हैं परसेंटेज में गिवन है, सो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस करके। सो यहाँ पे देखो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है, 5%। नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है 15% माइनस रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी तो अभी पता नहीं है, सो उसको वैसे लिखना रहने देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे रियल जीडीपी को इधर भेज दो और 15 में से ये जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है उसको माइनस कर दो। सो कितना आ जाएगा, 10%। इसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इफ़ पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2%, सो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा रियल जीडीपी। सो आप लोगों ने निकालना क्या है, पर कैपिटा रियल जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, सो ये निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे कौन सा आप लोग यूज़ करोगे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन गिवन है। सो ये जो रियल जीडीपी आया है आपके पास 10%, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट गिवन है जो कि कितनी है 2%, उसको माइनस कर दोगे। सो उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। सो 8% इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। 26th क्वेश्चन देखिए। सो ये लास्ट क्वेश्चन करिए इसको सॉल्व। वट इज़ ट्रू फॉर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, सो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है।
सो 26 के मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, 4, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो 26 का बी, फोर्थ, यानी कि कन्फ्यूजन है किस में, सेकेंड में और फोर्थ में। न्यू क्लासिक का ग्रोथ मॉडल, यानी कि किसका ग्रोथ मॉडल, सोलो का। सो सोलो का ग्रोथ मॉडल जो है उसको न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सोलो कौन थे, न्यू क्लासिकल। सो यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लेक्सिबल होते हैं। सो बिल्कुल अजम्पशन है सोलो के मॉडल की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट फ्लेक्सिबल होंगे। कैपिटल इज हेटरोजीनियस, सो कैपिटल क्या होगी, हेटरोजीनियस, ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है। कैपिटल क्या होगी, होमोजीनियस होगी, हेटरोजीनियस नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, न्यू क्लासिकल्स, यानी कि क्लासिकल्स के जो आइडियाज़ हैं, क्लासिकल्स इनके एनकेस्टर्स हैं। सो क्लासिकल्स ने जो बोला इसको ये मानते हैं। उसके बाद एक कैपिटल एंड लेबर आर सब्स्टिट्यूट, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसकी वजह से ही जो सोलो का मॉडल था वो हैरेडोमर मॉडल के इम्प्रूवमेंट के तौर पर देखा गया। सो हैरेडोमर ने अपने मॉडल में क्या बोला था कि जो कैपिटल एंड लेबर है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक दूसरे की जगह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे सोलो ने क्या बोला था कि हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल को लेबर की जगह पे, लेबर को कैपिटल की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड ठीक है और फोर्थ ठीक है। सो जिन्होंने सेकेंड आंसर दिया है सभी का ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ठीक नहीं है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 27th। कैडर का ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। सो यहाँ पे अब आपको अजम्पशंस गिवन है कैडर के मॉडल की, देखना आपने ये कि इनमें से कौन कौन सी ठीक है। टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट ऑफ वेजेस एंड इन सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट। सो सेविंग में क्या आएगी, जो सेविंग हम लोग वेजेस में से करेंगे वर्कर्स, जो सेविंग्स होंगी प्रॉफिट में से बाय द कैपिटलिस्ट। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेजेस इज इक्वल्स टू MPS आउट ऑफ प्रॉफिट। सी स्टेटमेंट है कि आउटपुट में क्या आएगी, वेजेस एंड प्रॉफिट्स, देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कैडर के मॉडल के लिए। सो यहाँ पे डी आंसर आ रहा है। सो चलिए देखते हैं, बिल्कुल। सो फर्स्ट अजम्पशन ठीक है, जो कैडर थी उन्होंने अपने मॉडल में बोला था कि सेविंग में क्या आएगी, वो वाली सेविंग जो कि करेंगे वर्कर्स अपनी वेजेस में से, और वो वाली सेविंग जो कि करेंगे कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रॉफिट में से। सो जो लेबरर्स हैं वो भी सेविंग करेंगे, और जो आपके कैपिटलिस्ट हैं वो भी सेविंग करेंगे प्रॉफिट में से। बट यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS यानी कि सेविंग आउट ऑफ वेजेस जो है कम होगी। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ वेज इज इक्वल नहीं है, यहाँ पे लेस देन है MPS आउट ऑफ प्रॉफिट। सो जो सेविंग्स करेंगे कैपिटलिस्ट अपने प्रॉफिट्स में से, और जो सेविंग करेंगे वर्कर्स अपने वेजेस में से, वो इक्वल नहीं है, वर्कर्स की कम होगी एज कम्पेयर टू दी कैपिटलिस्ट। उसके बाद आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट। सो बिल्कुल यहाँ पे आउटपुट में क्या आएंगे, वेजेस और प्रॉफिट दोनों आएंगे। और डी है कि यहाँ पे देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन उन्होंने ली है, सो डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन कौन सी है, ए एंड सी। सो ए एंड सी यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट वन। सो आज के सेशन में हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो डू लेट मी नो कि आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको कैसे लगे हैं, और हाँ जी बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। सो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि अगर आप लोग डिमांड करोगे तभी तो हम लोग सप्लाई करेंगे। सो डिमांड हमें कैसे पता चलेगी, थ्रू योर लाइक्स। अगर आप लोग, क्योंकि आप सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है कि जो सप्लायर्स हैं वो किसको देखते हैं, डिमांड को देखते हैं। अगर डिमांड होगी किसी चीज़ की तभी सप्लाई होगी। सो अगर आप लोग डिमांड करोगे, अपने जो फीडबैक हमें दोगे, तभी हम लोग सप्लाई करेंगे।
सो आप सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो और इन कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशंस हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते रहें तो लाइक ज़रूर किया करो, अगर रिकॉर्डिंग देख रहे होते तो कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड देख रहे होते तो कमेंट और लाइक तब भी किया करो ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो सेशंस हम सब आप सभी के लिए ला रहे हो आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। सब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी आज 9:30 पे क्लास है, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जितने भी कैंडिडेट्स इस बार वाले UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, सो आपको पता है कि बहुत थोड़े दिन बचे हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी ही आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। सो 9:30 वाली क्लास को सभी ने ज्वाइन करना है अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। अनअकैडमी के ऊपर आप सभी ने क्लास को ज्वाइन करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।